नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी ऑफिशियल। हम लेकर हाजिर हैं अपना अगला लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, जो कि है हिंदी का, कक्षा दसवीं है। और आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत पढ़ने जा रहे हैं। और आपको पढ़ाने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर प्रमोद कुमार दुबे जी जो हैं, जो हमारे आज गेस्ट हैं, आपको ये रेखा चित्र पढ़ाएंगे। और आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी कक्षा 10 की ईमेल आईडी पर, जो कि है dth.class10@cieet.nic.in। प्रमोद सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो आज हम बाल गोविंद भगत के माध्यम से एक रेखा चित्र पढ़ने जा रहे हैं, जैसा आपने बताया है। तो मैं अपने सभी छात्रों और दर्शकों के साथ पढ़ना की आपसे विनती करूंगा कि आप इसका पाठ शुरू करें। राम वृक्ष बेनीपुरी। आजादी की लड़ाई के संघर्षों के दिनों के एक साहित्यकार हैं, यानी कि 42-47 में जब स्वाधीनता संग्राम बहुत तीव्रता पर थी जी। उस समय उस स्वतंत्रता संग्राम में बेनीपुरी जी सहभागी थे जी। उनका जन्म 1920 में और उनकी मृत्यु 1968 में हुई। निश्चित रूप से यह समझ लीजिए कि अगर वो 22 वर्ष के हुए होंगे तो उस समय सन 42 का आंदोलन जी, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो जी, यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन उनको मिला होगा बिल्कुल। और 5 वर्ष बाद 47 में देश की आजादी के लिए जो संघर्ष हो रहा था उसके भी वो साक्षी रहे होंगे बिल्कुल। तो उनकी पूरी ही जीवन यात्रा आजादी की लड़ाई और उसके साथ जेल, लाठी खाना जी, आंदोलन करना और उसके बाद पत्रकारिता, यानी वो एक सजग राजनीतिक और या राष्ट्रीय प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे थे जी। इसलिए उनके साहित्य में अंतर्भूत यानी उसके भीतर समाहित सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना, ऐतिहासिक चेतना समझ बूझ समाहित है। जिस विधा को हम पढ़ाने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है रेखा चित्र। ये न कहानी है और न ही ये निबंध है, न ही ये कविता है, ना नाटक है, प्रहसन है। इस विधा का नाम है रेखा चित्र। जैसे आप एक कोई फिल्म देख रहे हो, पूरा एक दृश्य देख रहे हो, चित्र तो रहेगा ही और उस चित्र के माध्यम से बहुत सारी बातें जो कहानी में है, कविता में है, संवेदना के स्तर पर, नाटक में है, दृश्य के स्तर पर, और जितनी भी विधाएं, आधुनिक विधाएं हैं, कहीं ना कहीं उसके छींटे उसमें रहते ही हैं, उसके रंग रहते हैं। तो जैसे आप फिल्म देखते हैं, कोई फीचर फिल्म देखते हैं, मैं इसको विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन ये समझना कि एक फीचर फिल्म एक अलग से कैरेक्टर है फिल्म में, अलग से, जैसे सलाम बॉम्बे फिल्म। तो जो फीचर है वो जैसा है वैसा ही दिखाता है, जैसे अपनी ओर से कुछ नहीं बनाना है, जैसा है वस्तु स्थिति, लेकिन उससे ही कहानी निकलने लगती है और सारा दृश्य स्पष्ट करता है कि कोई संवाद हो रहा है। उसी तरह से ये रेखा चित्र
महादेवी वर्मा के यहाँ मिलेगा आपको, और ये अपने राम वृक्ष भेनीपुरी एक सिद्ध हस्त साहित्यकार हैं, कलम के जादूगर कहे जाते हैं, जैसे प्रेमचंद कलम के सिपाही कहे जाते हैं वैसे ही ये कलम के जादूगर कहे जाते हैं। बड़ा ही चित्रात्मक संवेदनशील इनकी भाषा है, इनका कथ्य है। ये स्वयं नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, और एक सशक्त पत्रकार होने के नाते टीचर पत्रकारिता में ही होता है, जो लेखन से चित्रण होता है ना जी, वह तो उसके भी सिद्धहस्त कलाकार हैं। अभी तक आपने कबीर के विषय में पढ़ा होगा जी, कबीर के दोहों को पढ़ा होगा, कबीर की रचनाओं को पढ़ा होगा। आठवीं कक्षा से आरंभ हो जाता है, छठवीं कक्षा से ही आरंभ हो जाता है कबीर के पद, कबीर की रचनाएं जी। कबीर के बारे में कल्पना भी आपकी रही होगी, लेकिन एक कबीर को जीने वाला व्यक्तित्व तो कैसा है, जो कबीर की धारणा में ही उन्हीं के पदों को गाना, उन्हीं की तरह रहना, उन्हीं की तरह, एक बिल्कुल आज के समय में कोई कहे कि ये कबीर का अनुगामी शिष्य, कबीर जीवी, ऐसा व्यक्ति तो हो, तो वो है हमारे बाल गोविंद भगत। अब आप नाम ही देखिए कैसा है, बाल गोविंद न कहके क्या कहा, गोविंद जी। अब जितेंद्र नाम है तो जितेन हो जाता है जी, गांव क्या करता है ना कि अपनी भाषा में जी बिल्कुल सामान्य सरल ढंग से किसी शब्द का सरलीकरण कर दिया जाता है, करता है, जिसके कारण वह और भी लोकव्यापी हो जाता है, उसके उच्चारण में कोई समस्या नहीं होती जी बिल्कुल। बड़ी बात यह है कि इस पाठ में गांव है, एक ऐसा गांव है जो अपने आप में रहता है, आज वो गांव उजड़ रहे हैं, लेकिन तब आजादी मिलने के बाद तक वो गांव थे, जिस गांव पर देश निर्भर था, राजनीति निर्भर थी, गांव स्वाधीन होता था, उसका अपना, अपनी अर्थव्यवस्था, अपना व्यवहार, सब एक दूसरे को जानते थे, इसलिए एक ईमानदारी सच्चाई सबके जीवन में होती थी। गोविंद भगत साधु हैं ऐसा देखने से लगता है, लेकिन शायद बेनीपुरी जी कहते हैं कि देखो ये गृहस्थ हैं, नहीं कि गले में कंठी है और सिर पर इन्होंने साधुओं की तरह कनफट्टा टोपी पहन रखा है, यानी कि वो कान ढका हुआ, जैसे आपने सूरदास के चित्रों में देखा होगा, कबीरदास के चित्रों में देखा होगा, या हिमाचली टोपी को अगर नीचे से खोल दीजिएगा तो ऐसे ही हो जाएगा, कान ढका हुआ होगा जी, और आपका माथा और सिर और मुख दिखाई देगा जी। तो इस तरह से उनकी आयु 60 के पार है, बाल पके हुए हैं, कनफट्टा टोपी सिर पर है और माथे पर रामानंदी तिलक है, वो सीधी तिलक जो साधु लोग लगाते हैं माथे पर, और गले में तुलसी के की जड़ से बना हुआ एक गांठ की एक गांठ है, उसको कंठी कहा जाता है, कंठी गले में पहने हुए हैं और एक तुलसी की माला पे। लेकिन इस सारे वेशभूषा के बावजूद वो ये गृहस्थ हैं, गृहस्थ मतलब कृषक हैं, उनके उनका पुत्र है, उनकी पुत्र वधु है, बहू है, उनकी जो अपनी दिनचर्या है वो खेती गृहस्थी के बाद सांझ सवेरे कबीर के पदों को गाते हैं, हंझड़ी बजाते हैं, हंझड़ी का मतलब डफली, डफली थोड़ा बड़ी बड़ी हो जाती है, ये छोटी रहती है,
खजड़ी खजड़ी ही है और उसको दूसरी किसी से नहीं कहा जा सकता है। तो उसको बजाते हैं और गाते हैं, एक उनकी दिनचर्या है। इसके बाद ये कहानी सांझ और सुबह से आगे बढ़कर ऋतुओं से जुड़ती है। ऋतुओं के साथ चित्र क्या है, यानी बरसात का दिन है आषाढ़, खेती गृहस्थी का दिन है, खेतों में धान रोपा जा रहा है और वर्षा बरस चुकी है, उसको गांव की भाषा में लेवाही कहा जाता है। जब वो एक बिल्कुल खेत में, भीगे हुए खेत में हल चलता है, उसको रोप रहे हैं, उसमें धान रोप रहे हैं, ठीक है, भगत और गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं जी। गीत कौन सा है, कबीर के पद है, वर्षा का होना और गोविंद भगत का खेत में धान रोपना, औरतों का कलेवा ले आना और उन मेड़ों पर बैठकर प्रतीक्षा करना, ऐसा चित्रण है, जीवंत चित्रण, कि आपको लगेगा कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, कोई चित्र देख रहे हैं। इसी तरह एक फिर मौसम बदलता है, आषाढ़ के बाद ताती का दिन आता है, दूर नदियों में नहाने के लिए जाते हैं कोसों दूर, और ताती के स्नान में एक पुण्य का भाव है, लेकिन इससे आगाह करते हुए लेखक यह पता है कि लोग दर्शन करने जाते हैं और वहां संत समागम करने के लिए जाते हैं। फिर एक ऋतु बदलती है, कार्तिक का महीना थोड़ा और माघ का महीना आ जाता है, उस समय पोखरे के भिंडे पर, अब ये पोखर समझ रहे हैं आप कि तालाब को कहते हैं, उसके किनारा जो उसका ऊंचा किनारा होता है उसको भिंडा कहा जाता है, उस पर बैठे हुए हैं और सुबह हो रही है, फट रहे हैं, लोही लगना, माने लोहा तो आपने सुना है जी, लेकिन लोहा जब जंग खाता है तो उसमें से लाली आती है, लाल दिखता है जी। फिलहाल का लोहा और पुराने समय के लोहे में कुछ अंतर है, गुड़ का जैसा रंग होता था वैसे ही वो लोहा गांव में, यानी लोहरदगा जगह है रांची में, ऐसी ऐसी जगहों पर लोग खुद ही बनाते थे ओर से, यानी कि जो लोहे का पत्थर होता है उससे बनाते थे, तो वो लोहा कुछ लाल रंग का होता, उससे उसका जो रंग है वो सुबह की लाली के लिए राम वृक्ष बेनीपुरी प्रयोग करते हैं, लोही लगना। अब ये लोही लगना आज नहीं है, पौ फटना है, सुबह की अरुणिमा है, प्रभात की लाली है, लालिमा है, कुछ भी कहे, लेकिन गांव गांव का क्या कहता है, या उस उम्र का बाल गोविंद भगत की नजर से वह क्या है। तो आज से 100 वर्ष पहले का जो व्यक्ति होगा उसके लिए लोही लगना जी। अब एक अद्भुत मामला है कि वहां पर सुबह के वेले में जो शुक्र तारा उदित होता है उसका चित्रण है। लेखक कहता है कि मैं बहुत देर तक सोया रहता हूं, सुबह जगता नहीं हूं, लेकिन उस दिन मैं सुबह जगकर उस पोखरे के भिंडे पर उसके किनारे पर गया हूं और देख रहा हूं कि किस तरह से भजन करते हुए, भजन गाते हुए गोविंद भगत खोए हुए, बाल गोविंद खोए गए। वो इस तरह से उस भजन में मस्त हैं, ऐसा नहीं लगता कि
दुनिया से बेखबर हूं, दुनिया में कहीं किसी से उनका तालमेल हो, ये भक्ति भाव है। लेकिन जो स्वाभिमान है वो अभी ऊंचा है, यानी इसी रेखा चित्र में अधरतिया आधी रात को गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत भजन गा रहे हैं। आधी रात को शब्द क्या आया है, अधेरी अधरतिया आधी रात को गोविंद भगत भजन गा रहे हैं। सब कोई सोया हुआ है और अब इन सभी प्रसंगों को हम चाहें कि एक गोविंद भगत के फीचर से यानी उसके रेखा चित्र से कबीर के दोहों की तुलना करें, जब सारी दुनिया सोती है तो योगी जागता है, कबीर के यहां मिलेगा और यही आप देखेंगे गीता में लिखा होगा, और वही वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार में दिखेगा, बाल गोविंद भगत के व्यवहार में दिखेगा कि आधी रात को जागकर भजन गा रहे, बजड़ी बज रही है, जहां पूरा गांव सोया हुआ है। देखिए कि कार्तिक माघ जेठ का दिन, बरसात का दिन, पूरी ऋतु चर्या माने मौसम बदल रहा है और जीवन चल रहा है, जीवन भी उसके साथ नए नए रंग रूप ले रहा है। शाम हो गई है, जेठ माने गर्मी का दिन है, गांव व्याकुल है और ये अपने दरवाजे पर कीर्तन गा रहे हैं, पूरा गांव जमा हुआ है, करताल बज रहा है, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ये सारे फीचर्स, सारा परिदृश्य चित्रित किया गया है रोचक ढंग से, एक के बाद एक, कड़ी के बाद एक, एक जैसे मौसम के साथ, दिन रात के साथ, महीने के साथ, ये जो स्टोरी है, ये जो रेखा चित्र है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है जी। पूरे परिदृश्य का अंतिम अध्याय उसके पुत्र का मरना और उसकी मुखाग्नि कौन दे रहा है, उसकी पत्नी से दिलवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसके भाई से, बहू उसकी जो है, उससे कहते हैं कि इसको ले जाओ और विवाह कर लेना, लड़की जा नहीं रही है, बहू कह रही है कि आप बूढ़े हो गए, हम आपकी सेवा में रहेंगे, आप कैसे खाइएगा कैसे रहिएगा, लेकिन वो आदेश करते हैं कि इसको ले जाओ विवाह कर लो, इसका नया जीवन बसा दो। दो घटनाएं, मुखाग्नि देने का काम पुत्र करता है, लेकिन उन्होंने बहू से मुखाग्नि कराई, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, वह विधवा विवाह कराया, जीवन को वैधव्य से बड़ा मान, किसी भी सामाजिक रूढ़ी से आगे बढ़कर जो उपयुक्त तो हो, सुयोग्य हो, उसको करना, उनकी एक सामाजिक दृष्टि है, समाज में एक संत होते हुए, एक गृहस्थ होते हुए, अब उनका गृहस्थ कैसा है, किसी से कुछ नहीं लेते हैं जी। दे देना तो ठीक है, लेना नहीं है जी। खेतों में जो अन्न, जो फसलें होती हैं, उसको ले जाते हैं कबीर के मठ में और दान कराते हैं, आचार विचार से बिल्कुल एक मानक व्यक्तित्व की तरह। ये आपको लग रहा है ना कि
कोई कहानी नहीं है, एक व्यक्तित्व का चित्रण है। हमारा समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है सत्र का। मुझे लग रहा है कि अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे समाप्त करें, और यदि कुछ रह गया हो तो हम संभवतः फिर एक और इसके लिए सत्र करें। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। तो इसमें सिर्फ यही है कि पूरे परिदृश्य से वो कुछ कहना चाहते हैं कि जहां जो सांसारिक लोग हैं, जो भौतिक लोभ के कारण संसार में अनैतिकता का विस्तार करते हैं, राजनीति से लेकर समाज तक जो कुवृत्तियां फैली हुई हैं, उन कुवृत्तियों में लगे हुए हैं, वही पर वही एक बाल गोविंद भगत निष्ठामय जीवन जीते हैं। और ये एक फीचर खड़ा करने से जो भ्रष्ट जीवन जीने वाले लोग हैं उनको चुनौती मिलती है। नहीं कहते हुए भी, सीधा कोई कहानी नहीं कहते हुए भी, सीधा किसी को लक्ष्य नहीं बनाते हुए भी, जैसे किसने बिल्कुल रेगिस्तान में एक फूल खिला दिया तो रेगिस्तान को एक चुनौती मिली जी, हम हरे भरे नहीं है। जी जी, ये इसकी विशेषता है कि नहीं कहते हुए भी ये कहानी समाज से अपना आदर्श प्रस्तुत करके कुछ मांग रही है, उम्मीद कर रही है। जी बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि जब भी इस प्रकार के रेखा चित्रों की बात होगी, चाहे कहानी की बात हो, कविता की, और साहित्य में जो भी पढ़ने के लिए उपलब्ध है बच्चों के लिए, खासकर हम अपनी पुस्तकों की बातें करें जो NCERT ने भी बनाई है, आपका भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा, उनकी चर्चा हम यूं ही जारी रखेंगे। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा क्योंकि हमारा समय इस सत्र का समाप्त हो गया है। धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद कहूंगा कि आपने अपना समय दिया और राम वृक्ष बेनीपुरी जी से हम सबको रूबरू कराया और इस रेखा चित्र के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारा ये हिंदी का सत्र यहीं समाप्त होता है, कहीं मत जाइएगा, अभी थोड़ी ही देर में हम अभी हाजिर होंगे मैथमेटिक्स का सेशन लेकर। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल्स और NCERT ऑफिशियल। नमस्कार।